शिवहंस। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है बेंडन ने पूछा कि गुरु महाराज की जिंदगी में जरूरत क्यों होती है, तो गुरु की जरूरत क्यों होती है ये प्रश्न जिसने भी उठाया है वो आपका मन है। मन का ये स्वभाव है कि वो उसके मजे की चीजों को तो बहुत अच्छे से स्वीकार करता है, वो भले राइट हो या रोंग हो, लेकिन जहां उसके मन का विरोध होता है या मन की नानी मरती है उस चीज का वो अच्छी होती है तो भी विरोध करता है। गुरु की जरूरत कहां नहीं है। एक व्यक्ति बचपन में जब उंगली पकड़कर अपने माता पिता के साथ चलता है तो चलने के लिए भी उसको गुरु की जरूरत होती है। जब वो भाषा बोलना सीखता है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, अरेबिक हो, कुछ भी भाषा हो, जिस देश का वो आदमी है, बच्चा है, भाषा सीखने के लिए उसको गुरु की जरूरत होती है। अगर गुरु नहीं है, शिवम, अगर गुरु नहीं है तो आप भाषा कैसे सीखेंगे। अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए अभी आप बोलो नहीं कोई। यदि आपको गुरु नहीं है तो आप भाषा भी नहीं सीख सकते। और अगर आपको तैरने का अभ्यास करना है, स्विमिंग सीखना है, तो भी गुरु चाहिए। आपको क्रिकेट सीखना है, फुटबॉल सीखना है, आपको जो है हॉकी सीखना है, जिमनास्टिक सीखना है, तो भी आपको गुरु चाहिए, है ना। आपको यदि इवन अगर किसी को भोजन बनाना तक सीखना है तो आटा कैसे गूंदा जाएगा, कैसे सब्जी बघारी जाती है, कैसे सूप बनाया जाता है, इसके लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है। वो सिखाने वाला उसकी या तो माँ सिखाती है या उसके परिवार में कोई सिखाता है। पग पग पे तो आपको गुरु की जरूरत है। अरे आप कहीं जा रहे हो, रास्ता भी नहीं मालूम आपको, तो किसी से पूछोगे कि भैया हमको यहाँ उधर जाना है तो ये रास्ता किधर जाता है, वहां पहुंचाएगा कि नहीं, तो इसमें भी तो गुरु की जरूरत पड़ती है। अकेले या परमात्मा के मार्ग में आध्यात्म ही आपको गुरु की जरूरत नहीं, आप अपने गुरु बनने की कोशिश करते हो और उसके कारण भटक रहे हो। तो ये जो मन है बच्चों, ये मन बहुत बदमाश है, ये आपको सही समय पर सही काम नहीं करने देता। अभी आपके पढ़ने लिखने का जो समय है उसमें ये मन आपको भटकाता है, चलो टीवी देख लें, चलो घूम के आ जाएं, चलो सिनेमा देखे आए, चलो भा मेला भरा है वो देखे आए, चलो बाजार हो आए, चलो क्रिकेट खेलने, चलो ये कर लें। और जब परीक्षा आती है तब तुम जानते हो तुम्हारी क्या हालत होती है उस समय, तुम्हें पता है, घबरा जाते हो, रात रात भर सोते नहीं हो। अगर तुम अभी से व्यवस्थित पढ़ो, 10-15 मिनट ही टीवी देखो फ्रेश होने के, तुमने जो पसंद है अभी 15 मिनट देख लिया, 15-20 मिनट अखबार पढ़ लिया, एक्सरसाइज करने के हिसाब से थोड़ा खेल लिए और फिर पढ़ाई करी, तो गुरु की जरूरत यहां पर भी है, संसार में भी है और परमात्मा में भी है। दो व्यक्ति होते हैं, 10 व्यक्ति होते हैं, 50 व्यक्ति होते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक आदमी तो उनमें से कलेक्टर बन जाता है, एक दो उसमें से डॉक्टर बन जाते हैं मान लो, एक तो उसमें से कोई इंजीनियर वगैरह बन जाते हैं, और बाकी के सब लोग क्या करते हैं, मिडिल
मिडिल में जैसे कोई क्लर्क बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, छोटी नौकरी में चले जाते हैं, या बाकी लोग क्या करते हैं, और नीचे तबके वाले क्या करते हैं, जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं, उस समय मस्ती करते हैं, उस समय समय बर्बाद करते हैं, फिर वो जिंदगी भर रोते हैं। जैसे कहते हैं, समय को यदि तुमने बर्बाद किया तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। तो वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के समय में अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते, कितना खेलना, कितना टीवी देखना, कितना पढ़ना, ये नहीं करते, और मनमाने ढंग से अपना समय बर्बाद करते हैं, दिन में भी सो जाते हैं, रात में भी सो जाते हैं, टीवी में कार्टून पिक्चर या जो भी उनको देखना है वो देखते रहते हैं, फिर क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं, वो बच्चों का क्या होता है कि वो बच्चे अपने स्तर के लोगों के साथ ना जीकर निम्न स्तर के मित्र उनके बन जाते हैं। वो इसी उम्र से बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, गंदे जुआ खेलना, गंदे काम करना, उसमें वो लिप्त हो जाते हैं। वो अपना जीवन तो बर्बाद करते हैं और सोसाइटी के लिए भी कलंक हो जाते हैं। इसलिए मैं सत्यबोध का उदाहरण अभी दे रहा था कि सत्यबोध का उदाहरण देखो, जिन दिनों पर पढ़ने के दिन थे तो सत्यबोध ने ठीक से पढ़ाई करी, और आज सत्यबोध BSNL में जनरल मैनेजर है, इनको 1,00,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, और इनके साथ पढ़ने वाले जो लड़के थे, हो सकता है उसमें से कोई कलेक्टर भी हो और बड़े पद पे भी हो, लेकिन इनके साथ पढ़ने वाले 70% 80% लड़के जो हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यदि तुम लोग पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित ढंग से करोगे नहीं, ठीक से व्यायाम नहीं करोगे, ठीक प्रकार से भोजन नहीं करोगे, अरे हम तो ये नहीं खाते, अरे वो, हमने कुछ लड़कों को देखा जो करेला नहीं खाएंगे, मेथी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो उनकी क्या स्थिति बनती है, जब वो बड़े बन हो जाते हैं तो उनको डायबिटीज हो जाती है, किसी को रक्त की कमी हो जाती है, किसी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए जो माता पिता हैं उनको पता है कि बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, इसलिए बच्चों को अपने माता पिता के अनुशासन में थोड़ा समय रहना ही पड़ेगा। यदि कोई बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में न रहे और बीच में 5-4 महीने में बाहर निकलने की कोशिश करे तो बच्चा वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने सदगुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहना चाहता, उसे यह संसार खा जाएगा, क्योंकि यह संसार जो है वो कांटों की बाड़ी है और दुष्टों की नगरी है। केवल सदगुरु ही होता है जो आपको बचा सकता है इन सब चीजों से। गुरु महाराज जो हैं, अगर आपको इन सारी आने वाली परेशानियों से वैसे ही बचा सकते हैं जैसे छोटे बच्चे को माँ जो है आग में हाथ डालने से बचाती है। इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए, माता पिता की बात को काटना नहीं चाहिए, समझ में नहीं आए तो धीरे से पूछ लेना चाहिए कि पिताजी आप ऐसा कह रहे हो, मेरा मन ऐसा कहता है, तो ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो बताएंगे कि ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं। अगर आप इस समय नहीं पढ़ोगे और मटर गश्ती करोगे तो निश्चित समय ना 25 साल की उम्र के बाद आपको बाकी के 75 साल दुख में गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ना तो कोई अच्छी कमाई कर पाओगे, ना अच्छे संस्कार होने से अच्छे मित्र बना पाओगे, और ना ही तुम्हारा समाज में सम्मान हो पाएगा, और परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो, तुम जो इस दुनिया में ठीक से नहीं अच्छे से जी पाया वो परमात्मा के रास्ते पे क्या चलेगा। तुम ये मत सोचना कि तुम दूसरी क्लास में तो पास हो नहीं पाए और MA की परीक्षा में पास हो जाओगे। परमात्मा की ओर जब चलना है तो तुम्हें दुनिया में भी सफल होना होगा। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि अपना काम वगैरह छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, नहीं, मैं कहता हूं तुम जहां खड़े हो वहीं जाग जाओ। अगर गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो रामचरितमानस में ये थोड़ी लिखा होता कि जो विरंच संकर सम होई और गुरु बिन भवनिधि तरह के कोई। अगर शंकर और ब्रह्मा जी के बराबर भी कोई सामर्थ्यशाली हो जाए तो गुरु महाराज के बिना वो संसार सागर से पार नहीं उतर सकता।
अगर गुरु की जरूरत नहीं होती तो ये नहीं लिखा होता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वहां तो फिर ये लिखा होता कि गुरु की कोई जरूरत, गुरु व्यर्थ है, गुरु बेकार है, गुरु को कभी ना करो, और गुरु को ना करके तुम संसार में ऐसे ही मरो, ऐसा लिखा रहता। और ऐसा रामायण में लिखा रहता कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, मरे जाओ संसार में, और पत्नी बच्चों और लोगों के जूते खाओ यार में, ऐसे लिखा होता। और गुरु के बिना तुम ना तो शांति प्राप्त कर सकते हो, गुरु के बिना ना तो तुम समता प्राप्त कर सकते हो, गुरु के ना बिना तुम ना संसार में जीने की कला सीख सकते हो, गुरु के बिना ना तुम अपनी अंदर जो है अमर तत्व को जान सकते हो, तुमको तुम्हारा मन बेवकूफ बनाकर बुद्धू बनाकर पता नहीं कहां ले जाएगा, कहां ले जाएगा। जैसे पत्ता होता है ना डाल से टूटा हुआ, हवा में बहता हुआ, पता नहीं नाली में गिरेगा कि खड्डे में गिरेगा कि हलवाई की जो आग जल रही होगी उसमें गिरेगा कि पानी में बहकर नदी में समुद्र में सड़सड़ के समुद्र में चला जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे अगर सदगुरु नहीं है तुम्हारे जीवन में, तुम डांस से टूटे हुए पत्ते हो। और अगर समय का तुमने मैनेजमेंट नहीं किया, अगर तुमने समय को मैनेज नहीं किया तो समय तुमको मैनेज नहीं करेगा फिर। अगर समय को तुमने नष्ट किया तो समय तुमको नष्ट कर डालेगा। कारण यह है कि इसका यह साफ साफ नियम है गुरु के साथ भी और समय के साथ भी, तुम हमारे तो हम भी तुम्हारे, और तुम हमारे नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं। अगर तुमने समय को नष्ट कर दिया, जहां तुमको पढ़ना लिखना था, जहां तुमको मेहनत करना था, वहां तो तुमने मेहनत की नहीं, तो फिर क्या होगा कि अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली तो जब उसके किसान था तो गेहूं बोने थे, तो गेहूं बोने के समय में वो अपनी ससुराल चला गया और सालियों के साथ और सालों के साथ वहां मस्ती कर रहा, नाच रहा, ढोल बजा रहा, खेल रहा, कूद रहा, घूम रहा, पेले देख रहा। जब वो लौट कर आया तो सबके तो गेहूं बड़े बड़े हो गए, आधे आधे फुट के, एक एक फुट के, और उसके तो गेहूं बोने का समय चला गया। अब उसने कहा अब क्या करें, बोले गेहूं बोएं, तो लोगों ने कहा अब तो गेहूं बो नहीं सकते, गेहूं बोने का समय चला गया आपका। तो तुम्हारे जीवन का ये जो समय है ये बोने का समय है, काटने का समय आने वाला है। अगर तुम बोगे नहीं तो काटोगे क्या। सेब चिल्ली और उसके परिवार को साल भर भूखा मरना पड़ा, यानी इधर उधर से भीख मांग के जैसे तैसे काम चलाना पड़ा। ऐसे पूरी जीवन भर भीख मांगोगे अगर तुमने विद्यार्थी जीवन में मेहनत नहीं करी तो। अगर विद्यार्थी का जीवन जो है वो बोने का जी समय है, फसल बोने का समय है, अगर समय बर्बाद किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना। इसलिए मेहरबानी करो, और गुरु को क्यों किया जाता है इस पर तो बोलने को बहुत है, लेकिन चूंकि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारे हिसाब से यही बोलना ठीक है। कोई बड़ा पूछता गुरु क्यों किया जाता है, 50 साल का या कोई जिज्ञासु होता वो पूछता, तुम उसको आध्यात्मिक हिसाब से जवाब देते कि गुरु क्यों किया जाता है। लेकिन यहाँ तो तुम्हें गुरु इसलिए करना पड़ेगा कि गुरु महाराज तुम्हारे को इस विद्यार्थी जीवन को कैसे सफल बना के और तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों में कैसे ले जाए ये तुमको बताएंगे। अब मान लो तुमने गुरु महाराज की बात नहीं मानी, पढ़ाई नहीं करी, और तुम्हारी को अच्छी नौकरी नहीं लग पाई, तुम बेरोजगार रहे या कम कमाने वाले रहे तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी। स्थिति होगी तुम गुरु महाराज कहेंगे यार बेटा ध्यान कर लो, अरे गुरु जी ध्यान व्यान क्या कर ले, अभी हमको जाना है और मजदूरी करने जाना है या ऐसा हार्ड वर्किंग के लिए जाना है, फैक्ट्री में जाना है, कुछ करना है। तो गुरु बोले शाम को कर लेना बेटा। गुरु महाराज शाम को क्या कर लेंगे, ध्यान इतना भयंकर थके हुए आते हैं कि ध्यान तो छोड़ो, भूख लगती है और नींद लगती है। तो बेटा सुबह कर लेना। अरे सुबह क्या करेंगे गुरु महाराज ध्यान, सुबह तो इतने थके होते हैं, नींद खुलती है, नींद खुल के फटाफट तैयार होके नहा धो के फैक्ट्री में भागना पड़ता है। तो तुम अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं और अच्छे पद पर अच्छी तरह से तुम्हारी आमदनी नहीं कर पाओगे तो तुम गुरु महाराज का ध्यान भी नहीं कर सकोगे और परमात्मा को तो पा ही नहीं सकोगे। क्यों,
कि परमात्मा को जानने वाला जो पक्षी है उसके दो पंख होते हैं, एक पंख होता है उसका आर्थिक संपन्नता, उसके पास ठीक ठाक पैसे होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, नहीं तो उसको दाल रोटी की चिंता नहीं होना चाहिए। अगर उसको दाल रोटी की चिंता हुई तो उसका पूरा दिमाग कमाने की तरफ लगा रहेगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है श्रद्धा, और श्रद्धा भी कोई एक तरह की नहीं होती है, माता पिता में भी श्रद्धा होना चाहिए, यदि पत्नी है तो पति में, पति है तो पत्नी में श्रद्धा होना, पति में है तो पत्नी में श्रद्धा होना चाहिए, और गुरु में श्रद्धा तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अगर परमात्मा तक की यात्रा करना है और जन्म मरण के कष्टों से मुक्त होना है और रोज के तनावों से मुक्त होना है और संसार में कैसे शांति पूर्वक जीना चाहिए ये जानना है और शरीर को भी स्वस्थ रखना है। जिनके जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं, वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तमाकू खा रहे हैं, ना क्रिमिनल केसेस लगे हैं उनके ऊपर, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में किसी भी सद्गुरु का प्रवेश नहीं है। तो भैया परमात्मा मिले ना मिले, गुरु अगर तुमको मिल गया तो कम से कम तुम्हारे जीवन में ये अशांति के काम, चोरी है, चकारी है, डकैती है, क्राइम है, और कम से कम यह जो है लोगों को छल है, कपट है, लोगों को परेशान करना है, अंदर की अशांति है, अंदर का सड़न है, हमने एक उदाहरण दिया, तुम बाहर मकान के सफाई कर लो और अंदर तुम्हारे गंदगी है, मक्खी भिनभिना रही, कचरा पड़ा है, तो तुम तो अंदर से मर जाओगे सड़ के बीमारी के कारण। ऐसे तुम बाहर भले कितना अच्छा जीवन जी लो, अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है तो तुम्हारे अंदर की सफाई नहीं होगी, और अंदर की सफाई नहीं होगी तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखे जो बाहर से तो अरबपति हैं लेकिन अंदर से इतने सड़े हुए हैं, इतने सड़े हुए हैं अंदर से कि नंबर एक के कंजूस, नंबर एक के हिंसक, नंबर एक के जो है गंदे शराबी कबाबी परिस्थितियों पर नजर रखने वाले, ऐसे हमने देखे हैं लोगों को। इसलिए अंदर से सड़ान रोकने के लिए, अंदर से गंदगी रोकने के लिए, अंदर के तुम्हारे मन बुद्धि के बैक्टीरिया को मारने के लिए, अंदर से स्वच्छ और साफ रहने के लिए, अंदर से शांत रहने के लिए अगर गुरु नहीं होगा तो तुम ये नहीं कर पाओगे, और गुरु नहीं होगा तो तुम अंदर से अशांत परेशान तनावग्रस्त रहोगे, नहीं होने वाली बीमारियां भी तुमको तनाव से, एंजाइना, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये तुमको कितना भी कमा लो ये हो जाएगी तो जिंदगी में कमाने का भी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सद्गुरु की जरूरत अंदर और बाहर दोनों तरफ से होती है। आनंदित ही नहीं हो पाओगे, खुशी नहीं हो पाओगे, अंदर अंदर जलते रहोगे, लोगों से कुछ नहीं तो लोगों से ही जलते रहोगे, पड़ोसियों से जलते रहोगे, पत्नी से जलते रहोगे, अपने रिश्तेदारों से जलते रहोगे, कहीं ना कहीं से कुटिल कमीनापन ये बिना सद्गुरु के जाता ही नहीं है, और जब तक ये जाएगा नहीं तो तुम सुखी सुखपूर्वक और रह ही नहीं पाओगे। शांति की चिड़िया का नाम है तुम्हें पता ही नहीं, अंदर तुम्हारे भट्टियां जलती रहेंगी, कभी तुम्हें ठंडक मिलेगी नहीं, कभी शांति मिलेगी ही नहीं, जल भूज के अंदर जो है तंदूरी मुर्गा हो जाओगे मरते मरते। तुमने देखो लोगों को, बुढ़े लोगों को देखो कैसा चेहरा हो गया है, कांटे जैसे हो गए, लोगों से बात करते हैं टे करके बात करते हैं जैसे कांटा चुबा दिया हो। अरे फूल भी, जो फूल होता है वह भी पककर मीठा फल बनता है लेकिन इंसान पककर कांटा बनता है। सास बहू को परेशान कर रही है, वृद्ध हो गई है, ससुर अलग है, बेटे को, बाप बेटे को परेशान कर रहा है, उससे अनशन गाली देके बात कर रहा है, फिर वो ही बेटा बुढ़ा होने के बाद बाप की परवाही नहीं कर रहा है। इस प्रकार का तुम्हारा संसार तुम्हारे मन ने बनाया है, यदि तुम्हारा सद्गुरु प्रवेश होता तुम्हारे जीवन में तो तुम इस जीवन रूपी फूल में खिलकर फल हो जाते। वृद्धावस्था में तो आदमी को और मीठा हो जाना चाहिए और प्यारा होना चाहिए और प्रेम से भरा होना चाहिए,
उसके बच्चे जैसे उसको दूसरे को बच्चे दिखना चाहिए, उसके वाणी में मिठास होना चाहिए, उसके बोलने में समझदारी होना चाहिए। वृद्ध लोग तो और उल्टा उल्टी उल्टी सलाह देते हैं बच्चों को, गलत गलत सलाह देते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्यों कि गुरु होने के कारण चाहे तुम वृद्ध हो, चाहे तुम बच्चे हो, चाहे तुम युवा हो, लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुमको फजीते में डालेगा। गुरु तुमको इन सब चीजों से बचा सकता है।